हाय फ्रेंड, जिस चीज़ का डर था वो चीज़ हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ऑस्कर ने शार्क को अपने मुंह में डाल लिया है, ये देख सकते हैं आप। और दैट इज़ वाई मैं इस ऑस्कर को अलग रखा हुआ था, लेकिन इसने अपना जोर दिखाई दिया। चलो ठीक है, एनी हाउ एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो अब क्या कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, देखो ये इसने खा लिया है, ये देखिए ये देखिए, लेके कैसी घूम रही है देखो ये। और इसका जो फेस देखो, इसने पूरा खा लेगी ये थोड़ी देर में, तो इसी चीज़ का डर होता है और तो कुछ नहीं। क्योंकि ऑस्कर जितना इसका मुंह रहता है उतना कुछ भी इसके मुंह के अंदर आएगा तो ये वो सारा का सारा जो ऑस्कर है उसको खा जाएगा। ये देखिए, अब मुझे दूसरी शार्क का डर है क्योंकि दूसरी शार्क भी डरी सी लग रही है आई थिंक सो। इसको भी मुझे इस टैंक से अलग करना पड़ेगा, ये जो शार्क है, क्योंकि इसका साइज, इस शार्क का साइज और उस शार्क का साइज ऑलमोस्ट सेम था, और इसने अपना करतब दिखा दिया है, तो आप देख सकते हैं। चलो ठीक है गाइस, जो मेरे चैनल पे न्यू है वो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ये देख लीजिए, इसीलिए बोलता हूँ कि ऑस्कर का कोई भरोसा नहीं है, इट्स अ वेरी अग्रेसिव फिश। बाकी अगर जैसे देखो आप, ये दूसरी जो है अलग सी फिशेज जो है वो उसको देख कर डर रही हैं और खोने में जा रही हैं, जबकि ऑस्कर कुछ बोल नहीं रहा है इनको। देखो जहाँ पे ये जा रही है और वहाँ से उठ के दूसरी और ये जो फिशेज हैं वो आ रही हैं, तो इसी चीज़ का डर था दोस्तों। लेकिन ये जो दूसरी शार्क है वो पंगे लेने से हट नहीं रही है, उसके बार बार उसके मुंह के पास जा रही है, और मुझे यही डर है कि ये खा के इसको कहीं वो दूसरी फिश जो शार्क है उसको ना पकड़ ले। तो सुबह तो वैसे तो अभी एक ये खाएगी और एक दो दिन तक और कुछ खाना नहीं मांगेगी, तो तब तक मैं ये जो दूसरी शार्क है इनको अलग करके जो मेरा दूसरा फिश टैंक है उसमें मैं डाल दूंगा। चलो ठीक है गाइस, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।